आईपीएल 2023 यानी के इंडियन प्रीमियर लीग का 16वां सीजन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हाल ही में आईपीएल मिनी ऑक्शन के जरिए खिलाड़ी भी खरीदे और बेचे गए, लेकिन अभी तक आईपीएल के शुरू होने की ऑफिशियल डेट नहीं आई है। लेकिन इसी बीच एक खबर ये आ रही है कि हो सकता है इस बार का टूर्नामेंट 74 दिनों से घटाकर सिर्फ 60 दिनों का हो जाए, और इसके पीछे एक महत्वपूर्ण कारण भी है जिसके चलते बीसीसीआई चाहते हुए भी ये टूर्नामेंट 60 दिन से ऊपर नहीं ले जा सकती। आज की इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्पोर्ट्स नेस्ट पर। हाल ही में खबर आई थी कि आईपीएल 2023 1 अप्रैल से शुरू हो सकता है और ये 31 मई तक चलेगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये टूर्नामेंट मात्र 60 दिन में ही खत्म हो जाएगा। इसके पीछे की वजह क्या है वो जान लेते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बनेगा आईपीएल की मुसीबत। आपको बता दें कि आईसीसी का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 7 जून से लॉर्ड्स में शुरू होना है, और आईसीसी के नियम के अनुसार आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट से 7 दिन पहले या 7 दिन बाद तक कोई और टूर्नामेंट आयोजित नहीं हो सकता। इसका सीधा मतलब तो यही है कि आईपीएल को हर हाल में 31 मई तक आपको खत्म करना ही होगा। आईपीएल का लंबा होना है मुश्किल। आईपीएल वुमेन और आईपीएल मेन के लिए बीसीसीआई के पास 3 महीने यानी के 90 दिन की विंडो है। महिला आईपीएल मार्च में शुरू होना है, जिसके चलते मेन आईपीएल अप्रैल 1 से शुरू किए जाने की बात सामने आई थी। तो इन सब बातों के चलते तो यही कह सकते हैं कि इस बार का आईपीएल एंटरटेनमेंट आपके लिए कुछ दिनों के लिए कम ही होने वाला है। आईपीएल मिनी ऑक्शन की कहानी। आईपीएल मिनी ऑक्शन हाल ही में कोची में हुआ था। इस ऑक्शन में कई इतिहास भी रचे गए। सैम करन आईपीएल इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी बने। वहीं पंजाब किंग्स ने उन्हें 18,50,00,000 रुपए में खरीदा था। कुल 5 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने 10 करोड़ से ज्यादा इस आईपीएल में कमाए हैं। ये 5 खिलाड़ी कौन से थे, हालांकि सारे के सारे विदेशी हैं। उनके नाम हैं कैमरन ग्रीन, जो कि 17,50,00,000 रुपए में बिके, बेन स्टोक्स जो कि 16,25,00,000 रुपए में बिके, निकोलस पुरन 16 करोड़ में बिके, और हैरी ब्रूक 13,25,00,000 रुपए में बिके हैं। खैर, आईपीएल का एंटरटेनमेंट तो यहाँ पर कम होता दिखाई दे ही रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सी वो टीम है जो इस बार ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और वो आईपीएल की ट्रॉफी को उठाकर ला सकती है? आप अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर दें। बाकी हमारा वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इसे लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।